कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत पाटनाघाट में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम वाकना पंचायत के प्रधान हरजिंदर कुमार की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वाकना पंचायत के 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। वाकना घाट में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया। वैक्सीन का टीका लगाने के बाद लोगों को आधा घंटा स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। टीका लगाने आए लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। वाकना पंचायत के प्रधान हरजिंदर कुमार ने बताया कि गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाई। उन्होंने कहा कि लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंचायत के प्रधान हरजिंदर कुमार ने पंचायत के लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगाया है वो टीका लगवा लें। साथ ही उन्होंने लोगों से घरों से निकलते समय मास्क का प्रयोग करने की अपील की। हमारी पंचायत में वैक्सीनेशन का जो दिन रखा गया, आज लगभग अभी तक जो है 50 से 60 प्लस लोगों ने जो है कोरोना के जो है वैक्सीन लगा ली है और अभी लोग काफ़ी इसमें जो है रुचि दिखा रहे हैं इंजेक्शन जो है लगवाने में। हमारे जो कोरोना के जो मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरा लोगों से ये आग्रह रहेगा कि जो जिन लोगों ने 45 प्लस जो लोग अभी बचे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, कृपा करके वो लोग भी जो है कोरोना की वैक्सीन लगवा ले। मेरा समस्त जनता से ये आग्रह रहेगा कि मेरी पंचायत के जितने भी लोग हैं, मैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो लोग 45 प्लस जो बचे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं उनसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि वो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा ले। और सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।